पता है जो रफ साइड होती है उसको आपको बैट्समैन की तरफ रखना होता है, तब बॉल होता है रिवर्स स्विंग। साइंस ये है कि अगर आप रफ साइड को बैट्समैन की तरफ रखोगे तो इस तरफ जो हवा आ रही होगी ना रफ साइड पर, वो क्या होगी, ज्यादा टर्बुलेंट होगी, हवा ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी इस तरफ। लेकिन जब ऊपर की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ क्या होगा, जब हवा आएगी ना, देखो यहाँ पर सीम है, सीम क्या करेगी, यहाँ से हवा का फ्लो को डिस्टर्ब कर देगी, लेकिन ज्यादा नहीं करेगी, जितना यहाँ पर होगा ना रफ साइड पर उतना ज्यादा नहीं होगा। तो बॉल देखो यहाँ पर हवा जब आएगी तो यहाँ पर डिस्टर्ब होकर टर्बुलेंट हो जाएगी, लेकिन लेस टर्बुलेंट होगी, कम टर्बुलेंस क्रिएट होगा वहां पर। लेकिन रफ साइड पर टर्बुलेंस देखो बहुत ज्यादा है, ज्यादा टर्बुलेंस इसका मतलब कम प्रेशर, और लेस टर्बुलेंस मतलब ज्यादा प्रेशर। तो जिस तरफ से ज्यादा प्रेशर पड़ेगा बॉल उसी तरफ मूव करेगी, इसका मतलब क्या है कि जिस तरफ सीम है उसके ऑपोजिट बॉल मूव करेगी। सपोज कि आप बैट्समैन हो, मैंने आपकी तरफ रफ साइड की हुई है और मैंने सीम को इस तरफ रखा हुआ है, तो जब मैं बॉल डालूंगा ना तो बॉल इस तरफ नहीं इस तरफ जाएगी। तो ये है रिवर्स स्विंग। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट मैच।